नमस्कार किसान भाइयों, ये है आइसर का 333 ट्रैक्टर जो कि 36 HP का ट्रैक्टर है। छोटे किसानों के लिए काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है। देख सकते हैं इसका लुक, आइसर का ब्रांडिंग लगा हुआ है और इसमें जो है 5 स्टार का रेटिंग भी दिया गया है जो स्टिकर के माध्यम से दर्शाया गया है। इसका आगे से आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। ये आगे बम्पर भी दिया हुआ है, क्रोम बम्पर, जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक देता है ट्रैक्टर को। और इस साइड से भी देख सकते हैं, इधर साइड में इंडिकेटर दिया हुआ है और हैलोजन बल्ब लगे हैं साइड से। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा का ब्रांडिंग। और ये ट्रैक्टर जो है देख सकते हैं, इसमें अल्टरनेटर को कवर किया हुआ है। 36 MVA का इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है जो कि कंपनी ने इसे कवर कर दिया हुआ है। और वहीं साथ में जाली दिया हुआ है। ये ट्रैक्टर जो है वाटर कूल ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर जो है वाटर से ठंडा होती है। वहीं इसमें रेडी वाटर भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। और आगे देख सकते हैं हवा के लिए बड़ा सा जाली भी दिया है कंपनी ने, जिससे कि गाड़ी काफ़ी कूल होकर चले, लंबे समय तक काम करे आप और गर्म ना हो गाड़ी। इसलिए देख सकते हैं इस साइड में भी दिया हुआ है जाली, जिससे कि ट्रैक्टर हवा घिंच कर काफ़ी बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और वहीं देख सकते हैं इधर इसका डबल डबल वाटर, इसका डबल डबल दिया हुआ है डीजल फिल्टर और वहीं वाटर सेपरेटर दिया हुआ है कंपनी ने। काफ़ी इसमें जो है जो बड़े ट्रैक्टर में फीचर आते हैं उस 36 HP के ट्रैक्टर में, वो सब सारे फीचर इसमें दिए हुए हैं। इसमें देख सकते हैं माइक्रो बॉस कंपनी का पंप लगा हुआ है। इतने छोटे ट्रैक्टर में जो है और कोई कंपनी माइक्रो बॉस कंपनी का ओरिजिनल पंप लगा कर नहीं देती, जो कि ये आइसर कंपनी ने इसमें दिया हुआ है माइक्रो बॉस कंपनी का पंप, जो कि 2000 रेटेड RPM पे काम करता है। बेहतरीन जो है इसका इंजन है, जो कि सैमसंग का इंजन कंपनी देती है आइसर में। और जो है इसमें देख सकते हैं इधर से एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट जुड़ने के लिए भी दिया हुआ है, जो लोडर वोडर लगाना हो, जिससे कि आपको आसानी रहे। और कंपनी में जो है बहुत कुछ इसमें बड़े ट्रैक्टरों का जैसा दिया हुआ है। बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसमें जो है 1600 का लिफ्टिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लिफ्टिंग कैपेसिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं लोडर वोडर लगाने के लिए दिया है, लगे हुए हैं होल जिसमें आप लोडर डोजर कसवा सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पे पहले से कंपनी ने दिया हुआ है सब कुछ। और वहीं पे इसका मोबिल फिल्टर दिया हुआ है, जो जहाँ पे डबल डबल वाटर सेपरेटर है वहाँ से दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये रेडिएटर भी इसमें काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। ये जो है वाटर कूल ट्रैक्टर है, पहले तो इसमें एयर कूल आती थी, लेकिन इस आइसर कंपनी ने इसमें बदलाव किया है, इसमें को वाटर कूल दिया हुआ है। इसका एक्सल देख सकते हैं, नॉन एडजस्टेबल एक्सल है, चौकोर वाला और काफ़ी मजबूत एक्सल है। और इसका देख सकते हैं स्टेयरिंग जो है, ये सादा स्टेयरिंग का ट्रैक्टर है। इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो पावर स्टेयरिंग भी ले सकते हैं। ये मैकेनिकल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग दोनों में ट्रैक्टर आती है। और इसका क्रोम लुक के साथ इसमें बम्पर भी दिया हुआ है 50 kg का कंपनी ने, जिससे कि ट्रैक्टर आगे से उठे उठे ना, इसलिए कंपनी ने दिया हुआ है इतना बड़ा बम्पर जो कि वजन सहने। और इसका एक्सल बहुत मजबूत है, देख सकते हैं इधर से। और इधर से इसका स्टेयरिंग रॉड काफ़ी मजबूत दिया हुआ है, स्टेयरिंग रॉड भी, ये स्टेयरिंग भी काफ़ी नरम करता है।
और वहीं पीछे इसका सेल्फ दिया हुआ है 12 वोल्ट का, जो कि काफ़ी बड़ा सेल्फ है, देख सकते हैं इधर से। और वहीं एक पंप लगाया हुआ है कंपनी ने, जो कि सिर्फ हाइड्रोलिक का पंप है। पावर स्टेयरिंग का पंप लेते तो इसमें एक और ऐड कर देती कंपनी पावर स्टेयरिंग का, इसलिए इसमें सिंगल पंप लगाया है कंपनी ने, क्योंकि बस इसे हाइड्रोलिक ऑपरेट करना है, इसीलिए कंपनी ने इसमें सिंगल पंप दिया हुआ है। और इसमें जो है इसका देख सकते हैं इधर बैटरी का भी लुक भी काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है, जिधर आइसर लिखा हुआ है, और ऊपर से देखने में काफ़ी लुकदार ट्रैक्टर है, जो बेहतरीन लुक के साथ आता है एकदम। इसमें 12 वोल्ट का कंपनी ने बैटरी लगा कर दिया है। वहीं देख सकते हैं इसका अगला टायर साइज 6016 का अगला टायर साइज है इसका। और वहीं देख सकते हैं पीछे का टायर साइज, जो कि गुडवियल का कंपनी लगा कर देती है। इसमें जो है 12/4/28 का टायर साइज दिया है कंपनी ने, क्योंकि ये 36 HP का ट्रैक्टर है। इसके फंडर में का भी जगह भी दिया हुआ है, जिससे कि कोई मिट्टी उट्टी का काम करते हैं तो जिससे फंसे वसे ना कोई मिट्टी, इसलिए फंडर में काफ़ी जगह है। और इधर से देख सकते हैं इसका लुक, और धान चलने के लिए इसमें सिंगल दिया हुआ है अटैच वाला, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी मजबूत दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ कर हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं इसका व्यू। साइड में देख सकते हैं काफ़ी स्पेस दिया है कंपनी ने, और सीट भी काफ़ी आरामदायक दिया है। इस साइड में भी जगह है काफ़ी, वहीं डीसी वीसी पॉइंट मिल जाता है हाइड्रोलिक का ऑपरेट करने के लिए साइड से। और इस साइड काफ़ी अच्छा जगह दिया हुआ है, और बोनट भी काफ़ी मजबूत है बोनट इसका। और वहीं डिग्गी दिया हुआ है सामान रखने के लिए, और इसमें जो है आयल वाला ब्रेक भी आता है और मैकेनिकल ब्रेक भी आता है, दोनों ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जो भी देख सकते हैं स्टेयरिंग पे आइसर का ब्रांडिंग भी लगा हुआ है, स्टेयरिंग भी काफ़ी लुकदार है, और इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, और सुई वाला दिया हुआ है, और डिजिटल दिया हुआ है, जो कि बेहतरीन माना जाता है इसे भी। और आगे से लुक देख सकते हैं इसका बोनट, बोनट का लुक काफ़ी बेहतरीन लुक है, जो कुछ पावर टेक की तरह दिखने में लग रहा है बेहतरीन लुक के साथ। कंपनी ने इसका ये देख सकते हैं पीछे से इसका ओवरहॉल लुक जो है बेहतरीन ओवरहॉल लुक पीछे से है इसका, जहाँ पे हिच भी आपको एडजस्ट करने के लिए इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है कंपनी ने, और हिच पे काफ़ी अच्छा काम किया है, देख सकते हैं मजबूती बहुत तगड़ी से दी हुई है। छोटे ट्रैक्टर होने के बावजूद भी, और वहीं ये देख सकते हैं इसका लोअर लिंक लगाने के लिए काफ़ी मजबूत दिया हुआ है, और इसमें जैक टाइप का इसका एडजस्ट करने वाला दिया हुआ है साइड में। और इस ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं। अगर किसान भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।